हम बनाने वाले हैं शकरपाला। तो चलो कैसे बनाते हैं प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आटों को हमें गूंदना है, उनके बाद उन्हें पूरा मतलब कि रोटी के जैसे बेल देना है, फिर पीसेस करना है। देखो कितना मस्त कर रही है मेरी मम्मी जी, एकदम स्लाइड से, और फिर साइड से फिर काट करना है। देखो दोस्त कैसे हो गया, मस्त है ना। फिर अब एक पैन ले करके हमें स्टोव चलाना है, उसमें ऑयल डालना है। तेल तो देख सकते हो कैसे प्रोसीजर बन जाता है। फिर कट करने के बाद हमें ऑयल को गर्म करके डालना है। गाइस फिर हमें स्टीम में डाल करके देख सकते हो आप लोग, अच्छा लगेगा। अच्छे से उसे मिलाते रहना वरना सड़ जाएगा, जल जाएगा इसमें। गर्म हो गया ना, पूरा ब्राउनिश कलर होना है। चीनी पाक करके डालना पूरा, मतलब इतना ही लाल कलर ब्राउन हो चुका है जहाँ तक। फिर चीनी पाक करके डालेंगे आइस क्रीम में। अब इसे धीरे धीरे ऐसे करके हल्का और नॉर्मल भी खा सकते हैं, निकालना है। हाँ नमक डाली खा सकते, नमक भी खा सकते हैं, नमक डाल के। मस्त हो गया लाल। फर्स्ट आटा पहले देखे, बाद आटा गुना, फिर राउंड सर्कल बनाया, फिर बाद में पीसेस। अरे बहुत कितना मस्त लगता है। तो ऐसे पीसेस करना है, उसके बाद से फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में डाल करके, मिला करके फिर ब्राउनिश होने के बाद ही निकालना है। कैसा लगा दोस्तों, बहुत मस्त है ना। अब इसके बाद हमें रान करना है फाइनली चीनी को, उसमें डालना है चाय, तो आप उसे डाल करके चीनी में फुला करके खा सकते हो। शकरपाला एकदम परफेक्ट है, वरना ऐसे भी खा सकते हो। अच्छा लगा तो गाइस सब्सक्राइब करो। बिस्किट।